हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुश्किलों की, ऑब्स्टेकल्स, हार्डशिप्स, जिनको हम ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से हमें ज़िंदगी में तरक्की नहीं मिली या हम वहाँ पहुँच नहीं पाए जहाँ हम पहुँचना चाहते थे या पहुँच सकते थे। ये प्रॉब्लम आई, वो आई, उसने अड़चन कर दी, ये ज़िंदगी में ये मुसीबत आ गई, उस टाइम मेरे साथ ये सब हो गया, और हम बहुत डिस्करेज लाइफ लीड करते रहते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ बिना तराशे कभी चमकती नहीं है। तो हमने जब मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और जंग लड़ते रहेंगे तो हम भी बहुत शाइन करेंगे। एक डायमंड आपको मालूम है कैसे बनता है? एक कार्बन से बनता है। When carbon goes through 1000 tons of atmospheric pressure, it changes into diamond. हमारी लाइफ भी वैसे ही है, कार्बन की तरह। But जब हम we go through so many pressures of life, hardships, obstacles, and we continue to polish our lives, then ultimately we also turn into diamonds. ऐसे एक example है sword की, तलवार। एक स्वॉर्ड कैसे बनती है आपको मालूम है? कितनी देर में बनती होगी आप इमेजिन करें। आप कहेंगे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, उसको एक साल लगता है। और उसके लिए 10 केजी ऑफ आयरन ओर रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसको खूब फोर्ज किया जाता है। इट्स रियली फोर्ज्ड वेरी वेल इन द फायर एंड हैमर्ड। सो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि वो ऐसी स्वॉर्ड बन जाती है कि अगर एक मैं ऑर्डिनरी किसी भी आयरन के पीस को दीवार की तरफ मारूंगी तो वो बेंड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं स्वॉर्ड को मारूंगी तो उसको कुछ नहीं होगा, वो बेंड नहीं होगी। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है, जब हम प्रॉब्लम्स को ले लेके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपने आप को फोर्ज करते हैं, तो हम स्वॉर्ड की तरह हो जाते हैं, हम डायमंड की तरह हो जाते हैं कि फिर हमें कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, बेंड नहीं कर सकती, और हम एक बहुत तराशे हुए हीरे की तरह होंगे जो पूरी दुनिया में चमकेगा। सो हमने हीरे की तरह चमकना है या हमने एक पत्थर की तरह पड़े होना है और कहना है कि बस कुछ नहीं। सो कभी भी हमारे पे मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स आए, तो उनको हम बोल दें, जो शाख से टूट जाएं हम वो पत्तियां नहीं, जो शाख से टूट जाए हम वो पत्तियां नहीं, तूफानों से कह दो कि वो औकात में रहें। थैंक यू।